न्यू वर्तमान मेयर के अगर बात के हवाला अगर देवल जाओ तो वहाँ के कहना में बाकी विकास के एकदम हम ढोका खोल देनी, बहुत दिन से यहाँ विकास ना भई रहे, टोल टोल में हमनी के ढलान करवा देनी, नाला बनवा देनी, रोड बनवा देनी, शिक्षा स्वास्थ्य आयत लगाए के जौन विषय बा सब चीज पहले के अवस्था में नहीं कि आमूल परिवर्तन हो गई बा। अब ऐसा बात बाटे तो हमारा साथे चलू, अपने बहुत सारा वार्ड में हम लेके चले तनी, बगड़मपुर, मधुरी, बबुआइन, पिपरा, सिर्फ एगो अपन वार्ड के विकास कर ले टोला के तो विकास करा के नानू कहल जाए, समग्र सब वार्ड गढ़ीमाई नगर पालिका के अंग सबके नू करे के पड़ल। अच्छा बताओ आज हमनी के 38-39 डिग्री में हमनी के तहाँ ऐसा गर्मी में बानी सा, चलू बहुत ऐसा स्कूल बाटे जेमें बच्चा सा टीन के छावल में नीचा पड़ रहा बा, टीन के घर में अपने एक घंटा ना बैठे सकम, उतना छोटी छोटी बच्चा जाके उतना उतना देर बैठ के घाम में उतना गर्मी में पंखा भी नहीं है उमे ओसन में पढ़ाई कर रहा बाटे। आ गढ़ी माई ऐसा जगह में ऐसा पर्यटकीय जगह में हमनी के बहुत ज़्यादा मतलब कि रोजगारी यहाँ हमनी के बना सकते तनी, हमनी के दुर्भाग्य बा कि अभी तक हमनी ओकर तैको कुछ पहल नहीं की करे सकल सा। विश्व में प्रसिद्ध हमनी के गढ़ी माई मंदिर बा, यहाँ डेली 5,000 से लेकर 10,000 लोग आवल है, अगर हमनी के एकरा के प्रमोट करम तो 50,000 लोग आई, 50,000 लोग आई तब सोचू कितना लोग के रोजगार पर्यटक से उतना मिली जी जी। लेकिन हमनी ओकरा के कुछ पहल नहीं की कैले सा, सिर्फ हमनी के कथी कैले बनी सा होता है, हमनी के यहाँ सरकार जौन बा नगर पालिका के वो सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रहल। नमस्कार और प्रणाम तमाम दर्शक लोग के, हम ढेर सारा स्वागत करके चाहता नहीं कार्यक्रम आमने सामने के बहस में, हम मनोज पटेल और आज भी हमनी चुनावी विषय पर बहस कर रहल बानी और 12 जिला में ही आज हमने आमने सामने के बहस तैयार कर रहल बानी। महागढ़ीमाई नगर पालिका के मेयर पद में नेकपा एमाले से उम्मीदवार दहल एगो नेता के साथ में हमने ये बहस तैयार कर रहल बानी, वहाँ के बानी राजा बाबू शाहजी। राजा बाबू शाहजी एगो युवा और एगो पढ़ल लिखल एगो उम्मीदवार और समाज परिवर्तन के नारा लेके वहाँ निर्वाचन में आयल बानी, चारू ओरी महागढ़ीमाई नगर पालिका में चर्चा बा और उनकर बहुत विपक्षी लोग भी बा, उ लोग के भी विरोध सब जौन हो रहा बा उहो लोग के जवाब हम प्रयास लेवे के चाहें और जनता बहुत जनता उ लोग के पक्ष में भी बा, विपक्ष में भी बा, उहो लोग के भी बात हम लेवे के प्रयास करें। राम बाबू जी के, राजा बाबू जी के सबसे पहले कार्यक्रम में हम स्वागत करें। राजा बाबू जी अपने के स्वागत बा। धन्यवाद। राजा बाबू जी अपने सारा चीज छोड़ के बिजनेस व्यापार अपने पढ़ल लिखल बानी, बाहर रहत रहनी है, सब चीज़ छोड़ के नेपाल में केंद्रित भइल बानी और महागढ़ीमाई नगर पालिका में अपने उम्मीदवार देले बानी, नेपाल के राजनीति के बारे में अपने के था बा? बिजनेस व्यापार छोड़ के हमनी के आयल बनी से राजनीतिक में जी, जी। काम तो अपन हो ही रहल बाटे बिजनेस व्यापार भी जी। सबसे पहल का बात कि विदेश में हम रनिंग काम करें तो हमेशा तो घरे आवते बनी 2-3 महीना में तो यहाँ के स्थिति देखिए रहल बनी, यही लंग हमनी के जन्म ले ले बनी, यही लंग पढ़ाई करके यहीं से अपॉर्चुनिटी मिलल तब विदेश गए रही, वहाँ भी अच्छा खासा काम वम हमनी कैनी सा। लेकिन हमनी के 50 साल पहले जैसन स्थिति गांव के रहे आज भी वैसने स्थिति में हमनी के देख रहा बनी, हम शिक्षा के सुधार वही नहीं आबा, जोन पहले शिक्षा के क्वालिटी रहे वह से अभी बदतर हो गए बाटे। अब तक बहुत पहले हमनी के रही से यहाँ के स्कूल में हमनी पढ़ाई करी से 30-40 विद्यार्थी एगो क्लास में रहे, अब 200 विद्यार्थी बा एगो क्लास में जी। लेकिन कहे के मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जोन परिवर्तन होए के चाहे जोन नया दौर जोन दुनिया में आ रहा बा वो कुछ अपने के नगर पालिका में ना होके सकल। हमनी के नगर पालिका में भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार भेल बाटे, शिक्षक सके दरबंदी करे में भ्रष्टाचार भेल बा, स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार भेल बा, सड़क के हालत अपने देखते बनी, जितना भी सड़क बस सब जीर्ण अवस्था में बा, माटो पूरी ग्रेबल तो बातें छोड़ दूँ, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा हमने के नगर पालिका में कौनो एगो योजना अपने बताऊँ कौनो की नगर पालिका के एगो योजना कंप्लीट हो गए लोग के एयर कंडीशन टॉयलेट के अलावा अब वो बंद हो गए लोग जी। लेकिन अपने के विपक्षी के रूप में नेपाली कांग्रेस के अभिन न्यू वर्तमान मेयर के अगर बात के हवाला अगर देवल जाओ तो वहाँ के कहना में बाकी विकास के एकदम हम ढोका खोल देनी,
बहुत दिन से यहाँ विकास ना भई रहे, टोल टोल में हमनी के ढलान करवा देनी, नाला बनवा देनी, रोड बनवा देनी, शिक्षा स्वास्थ्य आयत लगाए के जौन विषय बा सब चीज पहले के अवस्था में नहीं कि आमूल परिवर्तन हो गई बा। अब ऐसन बात बाटे तो हमारा साथे चलू, अपने बहुत सारा वार्ड में हम लेके चले तनी, बगड़मपुर, मधुरी, बबुआइन, पिपरा, सिर्फ एगो अपन वार्ड के विकास कर ले लन, टोला के तो विकास कर के नानू कहल जाए, समग्र सब वार्ड गढ़ीमाई नगर पालिका के अंग सबके नू करे के पड़ल। अच्छा बताओ, आज हमनी के 38-39 डिग्री में हमनी के तहाँ ऐसन गर्मी में बानी सा, चलू बहुत ऐसा स्कूल बाटे जेमें बच्चा सा टीन के छावल में नीचा पढ़ रहा बा, टीन के घर में अपने एक घंटा ना बैठे सकम, उतना छोटी छोटी बच्चा जाके उतना उतना देर बैठ के घाम में, उतना गर्मी में पंखा भी नहीं है उनमें, वैसन में पढ़ाई कर रहा बाटे, शर्म के बात नहीं है? अपने एयर कंडीशन गाड़ी में घूमे तनी, अपने अगर अपने निर्वाचन में भाग रहे बनी, अपने के कहना बा अगर हमनी के सरकार अगर आ जाता स्थानीय सरकार तो अपने ये चीज सबके परिवर्तन करें, शिक्षा के बात अपने कहनी है, स्वास्थ्य के बात कहनी है, एकरा अलावा भी अपने के मैनोफेस्टो में चाहे अपने के घोषणा पत्र में और कौन कौन चीज समेट रहा बनी, अपने काथी लेके जनता के घर दिलों में जा रहा बनी, कैसे वोट मांग रहा बनी? हमनी के अभी मैनोफेस्टो हमनी तैयारी में बनी, लेकिन फिर भी हम शॉर्टकट में इतना बतावे के चाहता नहीं कि सबसे पहले शिक्षा स्वास्थ्य एकदम और एकदम ई नेसेसरी बाटे, एकरा के ठीक करे के पड़े। जब तक शिक्षा ना हो तले डेवलपमेंट के सवाले नहीं खेरो आगे, आदमी स्वस्थ ना रही तो कोनो उपाय भी नहीं है। तो यहाँ जितना भी हमनी के कम्युनिटी हॉस्पिटल सब बाटे, जैसे हम ई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बा और बाकी स्वास्थ्य केंद्र सब जन बाटे, अपने में जाके घूम के आऊँ एक बेर, कैसन बदतर हालत में बाहू। टोल टोल में तो कम्युनिटी हॉस्पिटल रहे के चाहिए, लेकिन यहाँ कोनो नया चीज़ डेवलपमेंटे नहीं है भेल, तो हॉस्पिटल यहाँ बहुत अर्जेंट चीज़ बाटे, उसमें सफा ध्यान नहीं के पुगल। शिक्षा तो जीरो बर्त ही बा, सिर्फ लॉलीपॉप देवे के बाटे कि तू फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट कर ला, सबसे टॉप कर ला, हम तोरा के 1 लाख रुपया दे, हम लैपटॉप दे, हम ई दे, हम वो दे, हम, लेकिन एजुकेशन पर कोनो ध्यान नहीं है जी। राजा बाबू जी, एजुकेशन पर कोनो ध्यान नहीं है। अब जैसे कि अपने के नगर पालिका में देखल जाओ तो बेरोजगारी के अवस्था भी दयनीय बा, बेरोजगारी समस्या बा अपने के नगर पालिका में, एकरा बाद में कृषि के खातिर मल, बीउ, बीजन, खाद समय में उपलब्ध ना होला, ये सब अपने के घोषणा पत्र में बाकी ना, युवा लोग के खातिर का बा खास अपने के घोषणा पत्र में? बेरोजगारी तो सबसे बड़का समस्या बा यहाँ, आ गढ़ी में ऐसा जगह में, ऐसा पर्यटकीय जगह में हमनी के बहुत ज़्यादा मतलब कि रोजगारी यहाँ हमनी के बना सकते तो नहीं, हमनी के दुर्भाग्य बाकी अभी तक हमनी ओकर तैको कुछ पहल नहीं की करे सकल सा। विश्व में प्रसिद्ध हमनी के गढ़ी माई मंदिर बा, यहाँ डेली 5,000 से लेकर 10,000 लोग आवल है, अगर हमनी के एक प्रमोट करम तो 50,000 लोग आई, 50,000 लोग आई तब सोचू कितना लोग के रोजगार पर्यटक से उतना मिली जी जी। लेकिन हमनी ओकरा के कुछ पहल नहीं की कैले सा, सिर्फ हमनी के कथी कैले बनी सा होता है, हमनी के यहाँ सरकार जो बन नगर पालिका के वो सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रहल, सूर्य मंदिर बना रहा बनी पर्यटके ला नहीं होगी, मंदिर बनी तो के आई, बाहर से लोग आई देखे, जाके देखो कैसन जीर्ण अवस्था में बा, एगो योजना एको गो योजना ना बाजार व्यवस्थित करे सकल, ई लोग बाजार तो व्यवस्थित होए के चाहिए कि ना हर जगह जी जी, वो भी कोनो वार्ड में व्यवस्थित बाजार नहीं है। गढ़ी माई के मंदिर के सामने इतना फोहर रहा है तो जी, राजा बाबू जी अपने लोग भी चुनाव में सहभागी भई रहनी ऐसे पहले का चुनाव में, अच्छा ये बताएं कि ये तमाम चीज सब जौन अपने कर रहा बनी, अपने के नगर पालिका में अपने के नजर के सामने में सब चीज होत रहे, लगभग 5 वर्ष से कार्यकाल रहे लेकिन 6 महीना पहले ही 5 महीना पहले ही चुनाव हो रहा बा, इतना दिन तक ले अपने लोग एगो विपक्षी के जौन भूमिका होके के चाहे, ये अपने के महागढ़ीमाई नगर पालिका में विपक्षी के भूमिका हमनी ना देख सकनी, मीडिया में ना देख ले सकनी, अपने लोग एगो विरोध तकले भी ना कहनी, अपने लोग कहाँ रहनी इतना दिन अभी ना चुनाव में आईनी है? सबसे पहल का बात कथी बाकी विपक्षी के भूमिका सिर्फ अकेले हम नहीं बैले बनी जी जी। बाकी केहू केहू नेता लोग जो लड़ रहा बा उम्मीदवार वो केहू कुछ नहीं है बोले गए जी जी। अभी तक जितना विपक्षी के भूमिका होए के चाहिए, जबकि हम विपक्ष में नहीं है जी जी। हम विपक्ष में नहीं है, हमर तो पहल का चांस हम चुनाव लड़े जाए थे, लेकिन अभी तक जितना भी आवाज़ जोन माध्यम से होके अपना ही लोगन भी न्यूज में देख ले हम बहुत सारा वहाँ के बात सब मीडिया में आयल, जे कंप्लेन करे गए ओकर बाबूजी के टॉयलेट में थून दिया,
तो डर के उतना डेरा डेरा के लोग के डेरवा के राज करे वाला काम उनकर बाटे हमनी के नगर पालिका के मेयर के अभी के। लेकिन हमें हमनी एगो ओता विपक्षी के काम कैले बनी, दोसर कोनो आदमी आवाज नहीं उठावे गए, अपने लोग विरोध कैले बनी, विनोद के कोनो सुनवाई ना भइल। एग्जैक्टली कोनो सुनवाई कैसे हुई? आदमी समझदार रही तब न सुनी, जब समझाई के नहीं के। जी डेमोक्रेसी में प्रजातंत्र में कहा बा कि विपक्षी के भी अभिमत के कदर कइल जाला, ओकर कुछ विचार अच्छा बा तो ओकरा के लेवे के प्रयास कइल जाला। अपने तो बाहर देश विदेश घूमल बानी, अपने यहाँ वो चीज बा कि ना बा? यहाँ वैसन कुछ नहीं है, एतना जे विपक्ष में बा हम श्योर बनी कि विपक्ष से कहियो इन्वाइट ना कैले हुई ना कैले हुई कि तू आओ भाई। अब विपक्ष फर्ज बानू कि विपक्षी के भी बुला के राय लेवे के, लेकिन ऐसा आज तक नहीं खेल हमनी के नगर पालिका में। अपने मन से सिग्नेचर करे के बा, तू हमार आदमी बड़ा तो करम, क्रिया खेब तोर फरछवट करम, ऐसा ऐसा तरीका से काम करावे के बा डेढ़वा के सिर्फ। अच्छा राजा बाबू जी, और बात भी पूछे में हम थोड़ा अपने से अनुभव भी हम लेवे के चाहता नहीं। अपने तो लंबा समय चाइना में भी अपने रहल बनी, चाइना के शिक्षा स्वास्थ्य के भी अवस्था अपने देखले बनी, वहाँ के चीज जौन एगो वर्ल्ड में ही एगो एगो रोल मॉडल के रूप में विकसित हो रहा बा चाइना, अर्थतंत्र में भी और व्यापार में भी, शैक्षिक हब भी बन रहा बा, उ सब चीज के कुछ परसेंट भी हमनी के नेपाल में या महागढ़ीमाई नगर पालिका में कुछ लागू करे सके के संभावना की बा कि ना बा? बहुत ज्यादा बा, ज्यादा पैसा लगी हमने लगे, गरीब देश बनी, वो अनुसार से बताइए अपने। पैसा के बात नहीं है, हमने कृषि सुधार कर ले हम अपन जी, तो बहुत रोजगारी बाटे। चाइना भी सबसे पहले अपन कृषि के ही सुधार कैला जी जी। हमने इलंग कथी बाटे कृषि के जो बजट बा थोड़ा सा बजट बा, वो बजट में कथी बाटे भ्रष्टाचार ज्यादा बा। किसान के जो पैसा देवल जाले, किसान ला जो पैसा आयल, जैसे मान लो कि बकरा पालन करे के बा या बीजन वितरण करे के बा, कुछ कुछ करे के बाद तो नियत से तो कैल ना जाले। बकरे पालन बस एको को बकरा नहीं है कोनो के फार्म में रजिस्टर्ड बा, लेकिन पैसा आयल 50-50 करके खा गए लोग, तो कहाँ से रियल किसान के पैसा जाए तब नु अगाड़ी बढ़ी। अब बीउ बाटे, बीउ टाइम पर नहीं है उपलब्ध, खाद बाटे टाइम पर नहीं है उपलब्ध, कुछ समस्या भी बा इंटरनेशनल समस्या, वो भी हमने समझाई तनी सा। लेकिन प्रिपरेशन रहे के चाहिए कि ना स्थानीय सरकार के, हमरा घर में जग बा एक महीना बाद तो हम आज से प्रिपरेशन करम कि वही दिन में जाके करम जी, वही से लोग के मल बीउ खाद बीजन ये सब समय में ना मिलेला। हाँ बिल्कुल। अब जैसे कि शिक्षा में इतना राजनीतिक बा नेपाल में, अपने हर जगह देख रहा बने शिक्षा में राजनीतिक बा का बा, बाहर के शिक्षा अपने बाहर के भी शिक्षा पत्ति देखनी, अपने के यहाँ महागढ़ी माई नगर पालिका के भी शिक्षा पत्ति देखनी, का बा कुछ परिवर्तन हो सकता? बहुत दुर्भाग्य के बात बा कि शिक्षा में राजनीतिक हो रहा बा, होखल है। यहाँ पढ़ल लिखल जैसे मास्टर लोग बाटे, मास्टर लोग जाके अनपढ़ एगो नेता के चाहे मुखिया के गोड़ हाथ पकड़ के ओकरा से अपन काम करावे के सिफारिश करे के पड़े बाटे। अगर तू अगर बात सुनबा तो हई जगह पर रहबा, ना सुनबा तो फला तोरा जबरदस्ती टॉर्चर करेला दोसर जगह भेज दी, दोसर स्कूल में भेज दी, ताकि ओकर आवे जाए में टाइम लागो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस बढ़ो, ओकरा दशा होखो। क्वालिटी वाला आदमी के था नहीं है रखे के, खाली अपन आदमी चुन के रखे के बा। हमनी के नगर पालिका में इतना कर्मचारी बाटे, कएगो माली बा, विभिन्न विभिन्न किस्म के कर्मचारी बाटे। आज तक हम गार्डन नहीं देख ले, लेकिन माली बा हर चीज बाटे ओमे जी। अब राजा बाबू जी, ये तमाम बात अपने बतैनी है, अपने ये सब चीज अपने जनता के बीच में लेके जा रहा बनी, लेकिन हमरा के ये बताई कि यहाँ बहुत सारा उम्मीदवार बा प्रतिस्पर्धा में, एक दर्जन के हाराहारी में अपने लोग उम्मीदवार बने। राजा बाबू जी के जीते के कोनो खास आधार नहीं है, बाजार में विपक्षी लोग अपने के भाषण उपसन दे रहा बा, अपने सुननी है ये बात, अपने के जीते के आधार का बा? अपने लगे जो अपने की टीम में उम्मीदवार लोग बा, वो उम्मीदवार सब कैसन बा, यो जनता जाने के चाहता। अपने फेन मतलब हारे खातिर लड़ल बानी कि अपने के जीत के आधार का बा, गणना का बा, अंगणित का बा अपने के? अब हारे ला तो केहू थोड़े चुनाव लड़ी, जीतेला चुनाव लड़ी। हमनी के जितना भी कैडर लोग बाटे सब लोग स्वच्छ छवि के बा, युवा बा, स्वच्छ लोग बाटे। हमनी नया नया लोग के जोड़ ले बनी सा,
ओकरा पर कोनो आरोप नहीं खे लागल कि तू भ्रष्टाचार कैले बर, चाहे दलाली कैले बर, चाहे कुछ कैले बर, वैसन किस्म के कोनो आरोप नहीं खे। हम पहलका चांस चुनाव लड़े तानी, हम बाहर से काम उम छोड़ के आयल बनी तह अपन गाँव के स्थिति, नगर के स्थिति ठीक करेला, हमनी के तहाँ कैसे रोजगार बढ़ो, उ सब चीज में हमनी के काम करेला आयल बनी सा। हम तो बाहर में ठीके रहनी है, ठीक ठाक काम अपन नौकरी रहे, अच्छा चलत रहे, रहे, अच्छा चलत रहे, फिर छोड़ छाड़ के यहाँ इतना गर्मी में आके हमारा बैठला है क्या मतलब रहे। लेकिन हमनी ना आके लागम तो के आके लागी, सब आदमी तो ये कहे कि भाई पैसा कमा ले काठमांडू में रह गए, अमेरिका में रह गए, कोनो तो आगे सुधारे के परी कि ना है तहाँ। हमरा के हम बहुत गांव में गए, जनता से हमरा के बहुत लाइक कैलक, जबकि हम नेता नहीं की फिर भी हमरा के लोग लाइक कैलक। जनता के हम समझो कि हम जनता के चाहना से हम उम्मीदवार जी बने, जनता के चाहना से अपने उम्मीदवार बने। लेकिन हमने के पता बाकी अपने के जनता समाजवादी पार्टी टिकट ना दिलक तो अपने नेकपा एमाले से उम्मीदवार बहनी बात कहा। जनता समाजवादी पार्टी ला हम 5 साल काम करनी, हर फील्ड में गेनी, हर जगह गेनी, हर कार्यक्रम कुछ हो के तो सब जगह अरेंज करी। 5 साल के बाद में जब हमने के चुनाव आयल तो हमने सिफारिश होला, बात भेल कि नाम सिफारिश कैल जाओ, तो हमरा के लोग कहला कि तू तो मेम्बरे नहीं खा, तोर कहाँ लगानी है वो पार्टी में, मेंबर नहीं खा तो उसे तोर नाम सिफारिश ना हो। तो हम तो मेंबरे ना रह गए नहीं जनता समाजवादी पार्टी के, अपने कहना रहे कि मेंबर बने के चाहिए, कोनो कमिटी में रहे के चाहिए। राजनीतिक करे वाला लोग ये सब चीज़ जाना ले, हमनी के तो जनता ला काम कहनी सा, राजनीतिक से मतलब ही ना रहे। अब बहुत चीज़ धीरे 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 हमनी के सीखत गई नहीं, पहले तो लोग हमरा के वार्ड कमिटी में रख दिल, चाहे कहीं कहीं रख दिल, जहाँ रख दिल वही लग हम रह गए। लेकिन अब नेतृत्व करे वाला लोग कही था कि तोर कोनो लगानिए नहीं है, तू यही लेखा तोरा थोड़े नाम सिफारिश हो, नाम सिफारिश ना भइल तो जब हम पार्टी के अंग ही नहीं थी, हम कार्यकर्ता ही नहीं थी, तो हम तो स्वतंत्र हो गए नहीं। तो राजा बाबू जी, जनता समाजवादी पार्टी अपने छोड़नी, हमने के देश में देखनी है 6 गो राष्ट्रीय दल, 33-34 गो दल सब निर्वाचन में सहभागी भेल बा, बहुत सारा दल रहे, अपने नेकपे एमाले के कहे चुननी। जनता समाजवादी पार्टी हम छोड़ी नहीं ना, बल्कि हम अंगे ना रही कह के नेता लोग हमरा के प्रमाणित कर दिल, तो हमरा जाके नेकपा एमाले चूज करे के पड़ल। हमने बहुत ऑफर रहे, हमनी लग ऑप्शन सब रहे, बड़का पार्टी अपने चुननी। हाँ, हमनी के नेकपा एमाले हमनी के पसंद आयल, बहुत सारा ओकर योजना सब जोन चल रहल बाटे हमनी के लाइक कैनी सा, जैसे वृद्ध भत्ता सब भेल, इंश्योरेंस ले आवे के काम भेल, बहुत सारा सड़क निर्माण सब भेल, एकदम मतलब योजना से जोन जोन भी कम्युनिस्ट के आयल, जैसे फास्ट ट्रैक के काम गाड़ी बढ़ल, अपने के सुरंग मार्ग सब चालू भेल, ये सब कम्युनिस्ट के पाला में भेल। ओकरा चलते हमनी के पसंद आयल कि नेकपा एमाले से चलल जाओ। अब कम्युनिस्ट आंदोलन से अपने के गांव पालिका के, अपने के नगर पालिका के, महागढ़ नगर पालिका के काया पलट हुई, भविष्य परिवर्तन हुई कम्युनिस्ट आंदोलन से अपने के लगातार? बिल्कुल हुई। बहुत बहुत धन्यवाद राजा बाबूजी, अपने इतना व्यस्त बानी, घर दैलो में भी अपने के जाए के बाद कार्यकर्ता लोग बाहर बैठल बा, हम देखनी है, हमनी के समय उपलब्ध करा देनी है, बहस में आमने सामने में हमारा संगे छलफल में सहभागी बहनी है, बहुत बहुत अपने के धन्यवाद बा। धन्यवाद जी, और विशेष धन्यवाद हमनी के दर्शक लोग के, हमनी के अभी तक ले कार्यक्रम आमने सामने सुन के देख के हमनी के सहयोग कर लिया। हमनी के अपने नेपाल पोस्ट डेली यूट्यूब चैनल में आके हमनी के सर्च कर सकते नहीं, और फेसबुक पेज पर facebook.com/nepalpostdaily और गूगल में nepalpostdaily.com पर आके वीडियो अपने देख सकते नहीं, पढ़ सकते नहीं और सुन भी सकते नहीं। वीडियो तैयार करे वाला हमनी के मित्र संतोष जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद, और नेकपा एमाले के नेता, महागढ़ीमाई नगर पालिका के मेयर पद के उम्मीदवार राजा बाबू जी के ई सब धारणा अपने के बीच में पहुँचावे के आज मौका मिलल है। हम अपने आप के बहुत खुशी महसूस कर रहा बनी, और समय उपलब्ध करावे खातिर राजा बाबूजी के भी बहुत बहुत धन्यवाद देत। हम मनोज पटेल अपने से विदा चाहें, नमस्कार, प्रणाम।